गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। इन टुडेज मैथ्स क्लास वी लर्न एक्सरसाइज 4F माइंड जिम। नोट डाउन सी डॉट डब्ल्यू डेट एंड डे ओवर योर नोटबुक एंड क्वेश्चन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ए 3/4 माइनस 1/2। जैसे कि आपने एडिशन के सम सॉल्व किए, एग्जैक्ट प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन की भी वही है। सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस में है उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है। सो राइट हियर सॉल्यूशन, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 विल बी 4 एंड 2, 4 वन्स आर 4 एंड 2 रिमेन एज इट इज, देन 2 वन्स आर 2, 4 एंड 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। ओके, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 8। सो 3/4 डिनोमिनेटर में हमें 8 चाहिए तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 2 6, 4 2 8 है ना, देन 1/2। डिनोमिनेटर में हमें 8 चाहिए तो हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 4 से होगा। 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 8। ओके, देन आर फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इन टू लाइक फ्रैक्शन। सो सेम लाइक एडिशन वी ऑल्सो राइट लाइक दिस, 6/8 माइनस 4/8। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो राइट डिनोमिनेटर वंस 6 - 4 विल बी 2/8 एंड 2/8 को हमने रिड्यूस किया तो आंसर मिल जाएगा 1/4। हमें गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोसीजर सेम है जैसे हमने एडिशन में सॉल्व की थी। देन क्वेश्चन नंबर बी, 1/5 माइनस 1/10। राइट हियर सॉल्यूशन। अभी हमारे जो फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शन में है तो इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 5 × 5, 10 एज इट इज, देन 10, 10 × 10, 5 × 10 इज 50। ओके, देन 1/5। अब हमें डिनोमिनेटर में 50 चाहिए तो हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 10/50। देन 1/10, न्यूमरेटर में हम पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर 50 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमने न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिल गया 5/50। देन आर फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इन टू लाइक फ्रैक्शन, 10/50 माइनस 5/50। सो आफ्टर कन्वर्टिंग गिवन फ्रैक्शन इन टू लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट दी नंबर्स 10 - 5, सो वॉट वी गेट 5/50 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/10। 5 × 5 एंड 5 × 10 = 50, 1/10 इज आर आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, 2/7 माइनस 1/7। अब देखिए हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्टेड है तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो
तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी राइट हियर सॉल्यूशन. ओके, द डिनोमिनेटर्स आर सेम. डिनोमिनेटर्स आर सेम, देयरफोर 2/7 माइनस 1/7 इक्वल्स टू, वी राइट 7 एट वंस टाइम, 2 - 1 गिव्स अस 1/7. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. देन क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 3/5 - 1/6. सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा गिवन नंबर लाइक फ्रैक्शन में है या अनलाइक फ्रैक्शन में. सो ये अनलाइक फ्रैक्शन में है. तो अनलाइक फ्रैक्शन में जब हमें फ्रैक्शन रहा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5 and 6. सबसे पहले 5, 6, 5 ones are 5, 6 remain as it is, 6 ones are 6, 5 into 6 will be 30. सो 5 and 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 30. सो 3/5 वी हैव टू, यहाँ पे हमें 30 मिलना चाहिए. तो हमने 5 को किस कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 6 से. 5, 6 are 30, हमने डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लीकेशन किया है तो न्यूमरेटर में भी 6 से करेंगे. तो हमें मिल जाएगा 18/30. देन 1/6 मल्टीप्लाई विथ, अभी हमें अगेन डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो सॉरी 30 चाहिए. तो हमने 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 से. ओके, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से होगा. ओके, देन आर फ्रैक्शंस आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू अ लाइक फ्रैक्शंस. 18/30 - 5/30. आफ्टर दिस वी राइट डिनोमिनेटर एट वंस टाइम एंड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. 18 - 5 गिव्स अस 13/30. सो our fraction will be, final answer will be 13/30. Then we will move to question number E, which is 2/7 - 1/14. So this fraction is converted, are given into in the, these fractions are unlike fraction. To convert this fraction into a like fraction, we have to find LCM of 7 and 14. So what is the LCM of 7 and 14? 7 ones are 7, 14 as it is, and 14 ones are, so 7 into 14 is 7 into 14 is how much? 7 4s are 28. 2 as it is, 7 1s are 7. 7 and 2 is 9. So LCM is 98. Mara LCM again 98. So 2/7. को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 98 मिलेगा. कौन से नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 98 आएगा, 14. ओके, डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 4 2s are 8, 2 1s are 2, 28/14. देन सॉरी 1/14. डिनोमिनेटर में 4 हमें 98 चाहिए तो हम 14 को 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लीकेशन होगा. सो सॉरी यहाँ पे 98 आएगा, 7/98. ओके, देन आर फ्रैक्शन विल बी 2
28 अपॉन 98 माइनस 7 अपॉन 98. बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, विच मीन्स दिस फ्रैक्शंस आर इन अ आर लाइक फ्रैक्शंस. सो 28 माइनस 7 विल बी 21, माइनस 7 विल बी 21 अपॉन 98. सो फाइनल अगर हम इस नंबर को रिड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 14. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 3 अपॉन 14. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4F माइंड जिम एंड प्रॉब्लम नंबर ABCDE. सो स्टूडेंट प्लीज प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज एट होम एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू विल आस्क मी पर्सनली. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. बाय बाय.